नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की, और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं मुंबई से। मॉनसून की पहली बारिश में ही मुंबई बेहाल हो गई। आज सुबह करीब एक घंटे बारिश क्या हुई, मायानगरी में मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई, निचले इलाकों में भी पानी जम गया। मुंबई के कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश से सड़कें पानी पानी हो गई। अंधेरी का इलाका हो या फिर परेल का, हर जगह सड़क पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। एक घंटे की बारिश ने बीएमसी की पोल खोलकर रख दी है। सुबह सुबह हुई बारिश के चलते दफ्तर जाने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर घुटने तक पानी जम गया था और जल जमाव के बीच लोगों को डूबकर अपने दफ्तरों और काम तक जाना पड़ा। बारिश की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश का स्कूली बच्चों ने जमकर लुत्फ उठाया और वो पानी में मस्ती करते हुए भी दिखे। मुंबई के कई इलाकों में सड़क पर इतना पानी जम गया कि गाड़ियों का चलना तक मुश्किल हो गया। गाड़ियों के पहिए तक पानी सड़क पर जम गया था। कई जगहों पर पानी इतना जमा था कि छोटी गाड़ियां भी निकल नहीं पा रही। जल जमाव के चलते मुंबई के कई इलाकों में सड़क पर गाड़ियां फंस गईं। जल जमाव में गाड़ियों के फंस जाने से ड्राइवरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई जगह लोग गाड़ियों को धक्का लगाते हुए देखे गए। महानायक अमिताभ बच्चन के घर जनता के सामने वाली सड़क पर भी जल जमाव देखा गया। जुहू में अमिताभ के घर की दूसरी तरफ वाली सड़क पर जल जमाव के चलते जाम भी लग गया। भारी बारिश के चलते सबसे ज्यादा परेशानी अंधेरी, हिंदमाता, परेल, चकाला जैसे इलाकों में देखने को मिली, जहां भारी जल जमाव हो गया। साथ ही चुन्नाभट्टी, गुरु तेग बहादुर एरिया में भी सड़कों पर पानी भर गया। मुंबई में बारिश के बाद सड़क पर बड़े जमे पानी को खाली करने के लिए बीएमसी के स्टाफ भारी मशक्कत करते देखे गए। जगह जगह पर जनरेटर लगाकर पानी की निकासी की गई, लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि पसीने छूट गए। भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया। इसका असर लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर भी पड़ा। सेंट्रल लाइन और हार्बर लाइन की ट्रेनें ज्यादा प्रभावित हुई और कई ट्रेनें 15 से 20 मिनट की देरी से भी चली। बारिश के चलते लोकल ट्रेनों की आवाजाही में देरी से परेल रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ भी जमा हो गई। रुक रुक कर ट्रेनों के आने से स्टेशन पर सिल रखने भर की जगह नहीं थी। जैसे ही कोई ट्रेन आती, लोग सवार होने के लिए दौड़ पड़ते थे। बारिश के चलते मुंबई में ट्रैफिक भी काफी प्रभावित हुआ। सड़कों पर घुटने तक पानी भरने से गाड़ियां रेंगती हुई दिखी। कई जगहों पर तो काफी देर तक ट्रैफिक लगभग थम सा गया। दिल्ली में भी झमाझम बारिश हुई। राजधानी के कई हिस्सों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। उधर गुजरात के भी कुछ हिस्सों में बारिश होने से लोगों के चेहरे खिल उठे। बारडोली, छोटा उदयपुर और दभोई में झमाझम बारिश हुई। बारिश से सूखा झेल रहे किसानों ने राहत की सांस ली है। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तम नगर इलाके में कांग्रेस ने मुकेश शर्मा की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कांग्रेस बढ़े रेल किराए और पेट्रोल डीजल की कीमतों का विरोध कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आसमान छूते सब्जियों के दाम को लेकर भी विरोध जताया। गले में सब्जियों की माला पहने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पहले रेल किराया और फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ महंगी सब्जियों को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की अर्थी निकालकर उसे जूतों से पीटा और बीजेपी को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया। महंगाई के विरोध में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। हाथों में बीजेपी विरोधी पोस्टर लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने कहा कि सरकार का महंगाई कम करने का वादा खोखला साबित हुआ और प्रधानमंत्री जनता से धोखा कर रहे हैं। इंदौर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। इंदौर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बैलगाड़ी में कार और ठेले पर बाइक, स्कूटर लादकर ले गए। बेंगलौर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मोदी का मुखौटा और प्याज की माला पहनाकर पीएम का सिलेंडर पर बैठे पोस्टर को लेकर विरोध जताया। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। वाराणसी में अपने कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम मंत्री का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। बढ़ती महंगाई के विरोध में समाजवादी पार्टी के छात्र विंग ने इलाहाबाद में मोर्चा खोला। समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने चौरी चौरा एक्सप्रेस ट्रेन को झूसी में रोककर विरोध जताया और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की।
रांची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने सरकार की शव यात्रा निकाली, अपना विरोध जताया। बढ़ती महंगाई पर आज कैबिनेट की आर्थिक कमेटी की अहम बैठक शाम 5 बजे होने वाली है। मंत्रियों की इस बैठक में आलू प्याज की बढ़ी कीमतों पर रोक लगाने के उपायों पर चर्चा होगी। माना यह भी जा रहा है कि आलू प्याज का स्टॉक जमा करने की सीमा तय हो सकती है। पहली बार मोदी सरकार ने आखिरकार माना है कि महंगाई काफी बढ़ी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भले ही महंगाई दर में कमी आई हो लेकिन महंगाई बर्दाश्त से बाहर हो गई। रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच इन कंपैरिजन टू द लास्ट 2 ईयर्स हैज समव्हाट कम डाउन बट स्टिल इज बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल लिमिट्स। केंद्र सरकार ने राज्य के खाद्य मंत्रियों की 4 जुलाई को अहम बैठक बुलाई है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि बैठक में जमाखोरी से निपटने की रणनीति पर विचार होगा। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि देश में अनाज का भरपूर भंडार है और चिंता की कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि संकट जमाखोर खड़ा कर रहे हैं जिनसे निपटा जाएगा। मुंबई वालों को महंगाई का एक और झटका लगा है। मुंबई के दफ्तरों में टिफिन पहुंचाने का काम करने वाले डिब्बे वालों ने सर्विस चार्ज बढ़ा दिया है। प्रति महीने खाने के डिब्बे की डिलीवरी में 100 रूपये का इजाफा किया गया है। डिब्बा वालों के सर्विस चार्ज बढ़ाए जाने का असर मुंबई के 2 लाख लोगों पर पड़ेगा। घर से दफ्तर तक डिब्बा पहुंचाने का जो चार्ज पहले 500 रूपये महीने लगता था वो अब बढ़कर 600 रूपये कर दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सुनंदा का पोस्टमार्टम करने वाले एम्स के फोरेंसिक विभाग के मुखिया डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने दावा किया है कि उन पर रिपोर्ट बदलने का ऊपर से दबाव था। डॉक्टर सुधीर गुप्ता के मुताबिक सुनंदा की मौत को नेचुरल डेथ बताने के लिए उन पर दबाव डाला गया था और दबाव के आगे झुकने से इंकार करने पर उन्हें परेशान किया गया। डॉक्टर गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्रालय और सीबीसी को इस बाबत शिकायत की। 17 जनवरी को दिल्ली के एक 5-स्टार होटल में सुनंदा पुष्कर का शव मिला था। उस वक्त शशि थरूर और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार से रिश्ते को लेकर सुनंदा तनाव में थी। मौत से पहले थरूर और सुनंदा में झगड़े की भी बात सामने आई थी। सुनंदा पुष्कर के पति और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने डॉक्टर सुधीर गुप्ता के दावे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सर, डॉक्टर सुधीर गुप्ता क्लेम क्या था? सुनंदा पुष्कर मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस बाबत एम्स के डायरेक्टर से जांच रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। मैं एम्स के डायरेक्टर से इस संदर्भ में डिटेल्ड जानकारी लेने के लिए उन्हें लिखकर भेजा है। सुनंदा केस में डॉक्टर सुधीर गुप्ता के खुलासे की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। पुलिस कमिश्नर डीएस बसी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो डॉक्टर गुप्ता से पूछताछ भी होगी। एसआईटी उसको इसकी इन्वेस्टिगेशन को देख रही है। इसमें उनसे बात करना जरूरी होगा, बात की जाएगी। अगर उनके एफिडेविट को रिकॉर्ड में लाना जरूरी होगा, एफिडेविट को रिकॉर्ड पे लाया जाएगा। सुनंदा पुष्कर के रिश्तेदारों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। सुनंदा के मौसेरे भाई अशोक कुमार ने कहा कि वो पहले से ही कह रहे थे कि ये मौत नहीं मर्डर है। मैंने तो पहले से ही बोला था कि ये वो नहीं है, इसके मर्डर हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसके इन्वेस्टिगेशन हो। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि सुनंदा पुष्कर की हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं जो निकले हैं, उससे तो लगता है कि निश्चित तौर पर हत्या हुई है। और इसके लिए मैंने फैसला किया कि जुलाई एंड में, अगस्त में कोई तिथि में मैं एक याचिका पेश करूंगा। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद दलवी ने कहा है कि डॉक्टर पर दबाव डाले जाने की बात पर भरोसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर ने ऐसा दावा किया है तो इसकी पड़ताल होनी चाहिए। देखिए, मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता है, लेकिन अगर डॉक्टर ने ऐसा कहा है तो किसने दबाव डाला, उनसे बात करनी चाहिए। पूर्व बॉयफ्रेंड और कारोबारी पार्टनर नेतवाड़िया पर बदसलूकी की शिकायत करने वाली प्रीति जिंटा ने पहली बार खुलकर सफाई दी है। फेसबुक के जरिए उन्होंने इस केस से जुड़े हर पहलू का जवाब दिया। प्रीति ने फेसबुक पर लिखा कि मैंने नेसवाडिया पर केस क्यों किया, निजी मामला। नेस ने मेरा रिश्ता 2009 में ही उनसे ब्रेकअप हो गया था, जिसके बाद जिंदगी चलती रहती है। ब्रेकअप के 6 साल बाद केस करना निजी मामला नहीं हो सकता। प्रीति ने कहा कि कई सालों से बार बार चेतावनी देने के बाद मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, शारीरिक हिंसा या फिर
बदसलूकी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या महिला, सेलिब्रिटी हो या फिर आम आदमी। प्रीति ने कहा कि वानखेड़े स्टेडियम में 50 सीट और 35 सीटों का वीआईपी एयर कंडीशनड बॉक्स था, फिर भी 6 सीटों पर मेरे दोस्तों का बैठना मुद्दा बन गया। मैंने कोटे की सीट खाली खिलाड़ियों को अपने परिवार वालों को दी थी, इसीलिए सीटों पर कब्जा करने का आरोप बेबुनियाद है। प्रीति ने अपने पूर्व बॉयफ्रेंड और कारोबारी पार्टनर नेस वाडिया की मां को अपमानित करने का आरोप को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपना नाम भूल सकती हूं लेकिन अपने संस्कार नहीं भूल सकती। पैसे को लेकर विवाद की बात को भी प्रीति ने खारिज किया। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि नीलामी के दौरान मैंने नेस वाडिया को भी 5 करोड़ रुपए दिए, इसका सबूत बीसीसीआई के पास है। हालांकि नेस ने 2 महीने में वो पैसे बिना प्रीमियम के वापस दे दिए। प्रीति जिंटा ने आगे ये भी कहा कि मैंने हमेशा अपने हिसाब से लोगों की मदद करने की ही कोशिश की है, अगर मुझे पैसों का लालच होता तो मैं शानदार अमरोही की करोड़ों की वसीयत क्यों ठुकरा। बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने झारखंड के सीएम पद को लेकर विवादित बयान दिया। यशवंत सिन्हा ने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए क्या फर्क पड़ता है। पत्रकारों ने यशवंत सिन्हा से झारखंड के विकास और मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछा था, जिस पर वो सीएम पद की गरिमा खोकर हतफार कर गए। ये हो गया टेलीविजन का जो ये है, इसको मुंह में घुसा के हमारे क्या कहते हैं मुख्यमंत्री कौन। अरे कोई मुख्यमंत्री बन गया क्या। गोवा के पीडब्ल्यूडी मंत्री लड़कियों पर दिए गए अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने लड़कियों के पब में जाने पर रोक लगाने की बात की थी। मंत्री सुदीन धावलीकर ने कहा कि मेरा इरादा लड़कियों और महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। मेरे को भी ऐसा लगा कि ये सब कहां तो बंद होना मांगता है, इसलिए मेरा किसी का लड़की का या वीमेन का मन दुखाने के लिए बोला नहीं कि क्यों उसका इंसल्ट करने को बोला नहीं। मंत्री सुदीन धावलीकर ने कहा कि बावजूद इसके अगर कोई कम कपड़ों में पब जाना चाहती है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगी, क्योंकि हर जगह हर किसी को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। अभी किसी को ऐसा पहन के बाहर जाने का है तो उसका इरादा है, उसके जिम्मेदारी से वो करते हैं, उसको मेरे को लेना देना नहीं है। आज हर जगह इतना सिक्योरिटी कहाँ कहाँ देंगे। बीजेपी के अमेरिकी जासूसी की बात सामने आने पर भारत सरकार ने कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। भारत ने अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है और जासूसी कांड को गलत बताया। भारत ने अमेरिका से यह भरोसा मांगा है कि ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए। दरअसल अमेरिका ने 2010 में अपनी खुफिया एजेंसी एनएसए को बीजेपी की जासूसी करने का अधिकार दिया था। ये चौंकाने वाला खुलासा किया एनएसए के पूर्व कॉन्ट्रैक्टर और अब विसल ब्लोअर बन चुके एडवर्ड स्नोडेन ने। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी कि एनएसए ने बीजेपी और दुनिया के 5 अन्य राजनीतिक दलों पर नजर रखने के लिए फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विलांस कोर्ट से अनुमति मांगी थी। इससे जुड़ा दस्तावेज अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने सार्वजनिक कर दिया। अखबार को ये दस्तावेज स्नोडेन ने ही मुहैया करवाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज बीजेपी मुख्यालय में डिनर देने वाले हैं। इस डिनर पार्टी में पीएम और सभी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद के तौर पर राजनाथ की ये फेयरवेल पार्टी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उमर ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी अकेले 44 सीटें ले आए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। बिहार में विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर माझी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विधायकों ने हाथों में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नोएडा, लखनऊ और वाराणसी को पूरे 24 घंटे बिजली मिलेगी और जिन जिलों को 24-24 घंटे बिजली मिल रही है वहां बिजली कटौती की जाएगी। यूपी के ऊर्जा विभाग ने बिजली आपूर्ति के लिए नया रोस्टर जारी करने के लिए यह फैसला लिया है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम नवाम तुकी ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। तुकी ने सूबे के विकास को लेकर जेटली से बातचीत की। सीएम नवाम तुकी ने बताया कि जेटली से उनकी बात सकारात्मक रही। हमने फाइनेंशियल मदद के लिए तो मांगा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जो पीएम पैकेज में जहाँ जहाँ प्रोग्रेस हो रहा है वहाँ में ज्यादा पैसा देना चाहिए। नवाम तुकी ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। गडकरी से मिलकर नवाम तुकी ने सूबे में बेहतर ट्रांसपोर्ट और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत की। गडकरी ने नवाम तुकी को अरुणाचल के विकास में पूरा सहयोग देने की बात कही। अरुणाचल का हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए जो प्रोजेक्ट्स अभी जो अप्रूव हो चुका है
को तेजी से आगे ले जाने के लिए, और कोई नया प्रोजेक्ट है जहाँ जहाँ जरूरी है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी के लिए, इन बॉर्डर एरियाज में रोड के लिए सारे मांग हमने रखा है। समझौता एक्सप्रेस में हुए धमाके के आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर न्याय की मांग की है। पुरोहित ने लिखा कि वो 5 साल से जेल में बंद है, इसलिए केस की सुनवाई में तेजी लाई जाए। श्रीकांत पुरोहित की पत्नी ने इंडिया न्यूज से बातचीत में बताया कि उनके पति को शुरुआती दौर में टॉर्चर किया गया, साथ ही उनके केस को सही तरीके से सुना भी नहीं गया, इसलिए पीएम और गृह मंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी। 2007 में दिल्ली से अटारी के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में हरियाणा के सोनीपत के बीच धमाका हुआ था, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसके आरोप में कर्नल पुरोहित को 2008 में गिरफ्तार किया गया था। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी आप विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के शालीमार विधानसभा से आप विधायक वंदना झा और गोपाल राय ने बीजेपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। आप विधायक वंदना झा के मुताबिक बीजेपी की ओर से आए दो लोगों ने उनसे कहा कि आप बीजेपी की सरकार बनवाइए, आपको मंत्री पद मिलेगा, साथ ही आपकी पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कराई जाएगी। विधायक की माने तो दोनों ने बात न मानने पर जान से मारने की धमकी भी दी। वंदना झा के कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में बीजेपी की ओर से आए दोनों लोगों की बातचीत भी कैद हो गई है, तस्वीरें कैद हुई हैं। आप विधायक ने पुलिस को सबूत के तौर पर मुलाकात की, सीसीटीवी फुटेज सौंपी है, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी का वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा कि वो इस मामले को पार्टी स्तर पर उठाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी गुंडे पर उतर आई है और वो इससे पहले भी विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश कर चुकी है। हरियाणा में सरकारी नौकरियों में धांधली का विरोध करते हुए जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा ने मार्च निकाला। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के दफ्तर का घेराव किया और कमीशन को भंग करने की मांग की। विनोद शर्मा के साथ बयालिका में जनचेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसएससी दफ्तर के बाहर धरना दिया। पंडित विनोद शर्मा ने एसएससी कमीशन की तुलना साइमन कमीशन से कर दी और चेतावनी दी कि जब तक कमीशन भंग नहीं किया जाता उनका विरोध जारी रहेगा। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा पार्टी के युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में विनोद शर्मा ने कहा कि इसका मकसद इंटरव्यू सिस्टम को खत्म कर युवा वर्ग को उनके हकों के लिए जगाना है। हर जगह पर मुजाहरा करना पड़ेगा, हर जगह पर ये आवाज उठानी पड़ेगी कि सिलेक्शन कमीशन को बंद किया जाए। ये सिलेक्शन कमीशन साइमन कमीशन से कम नहीं है। चेतावनी के लहजे में विनोद शर्मा ने कहा कि अगर मांगने पर भी युवाओं को उनका हक नहीं मिलता है तो जनचेतना पार्टी नया आंदोलन छेड़ देगी। विनोद शर्मा ने युवाओं का आह्वान करते हुए नया नारा दिया, अभी नहीं तो कभी नहीं। राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए विनोद शर्मा ने कहा कि नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया में पक्षपात होता है। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में हरियाणा सरकार के फैसलों की अदना अधिकारी भी परवाह नहीं करता और भाई भतीजावाद का बोलबाला हो चुका है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं और चेयरमैन हैं, वो किसी भी तरह पारदर्शिता से काम नहीं कर रहे हैं। विनोद शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी युवाओं से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी और उनके हक के लिए संघर्ष जारी रखेगी। पंचकुला में हुए जनचेतना पार्टी के इस युवा सम्मेलन में हजारों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और पार्टी को अपना समर्थन दिया। हम इसका विरोध करते हैं और विरोध उस हद तक करेंगे जब तक इस कमीशन को भंग नहीं किया जाता। जमात उल दावा का आतंकी हाफिज सईद को बॉर्डर के पास देखा गया। हाफिज राजस्थान के बाड़मेर से लगी सीमा के पास दिखाई दिया। हाफिज सईद ने 27 से 29 जून के बीच बाड़मेर के पास बॉर्डर का दौरा किया था। बाड़मेर से लगी पाकिस्तान की सीमा में हाफिज का यूं दौरा करना काफी हैरानी भरा है। वो बॉर्डर के करीब किस लिए था ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन आईबी ने हाफिज की गतिविधियों को देखते हुए सीमा पर बीएसएफ को अलर्ट कर दिया। चेन्नई में इमारत हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 43 हो गई है। मलबे में कुछ और शवों के हाफिज की गतिविधियों को देखते हुए सीमा पर बीएसएफ को अलर्ट कर दिया। चेन्नई में इमारत हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 43 हो गई है। मलबे में कुछ और शवों के दबे होने की आशंका अभी भी है। यूपी के लखीमपुर में मोबिल ऑयल के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते मोबिल ऑयल के गोदाम को जलाकर खाक कर दिया। भीषण आग से आसपास अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही के हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
राजधानी दिल्ली के अलीपुर इलाके में बीच सड़क पर एक चलती कार आग की लपटों से घिर गई। कार में एक परिवार के लोग बैठे हुए थे, जिन्हें आनंद फानंद ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि कार तेज रफ्तार में थी, कार के नीचे से चिंगारी उठी और देखते ही देखते आग ने अपनी चपेट में ले लिया। पंजाब के संगरूर में एक जूते के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग से लाखों रुपए के फुटवियर जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साउथ दिल्ली के सफदरजंग इलाके में डियर पार्क के भीतर एक युवक की पेड़ पर झूलती हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पहचान शिवाशीष के रूप में हुई है। शिवाशीष के दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए थे, जिससे माना जा रहा है कि उसकी हत्या कर लाश पेड़ पर टांग दी गई। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में देर रात चाकूबाजी की वारदात ने सबको सन्न कर दिया। त्रिलोकपुरी बस स्टैंड पर खड़े दो लड़कों को बदमाशों ने चाकू मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सरेआम मारपीट का मामला सामने आया। ट्रेन के अंदर बैठने को लेकर धक्कामुक्की हुई और फिर उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। बिहार के गया स्टेशन से कुछ दूर जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में डकैतों ने कहर बरपाया। ट्रेन की एक बोगी में चढ़कर लुटेरों ने यात्रियों से लाखों रुपए लूट लिए। मुसाफिरों के मुताबिक लुटेरे गोरपा स्टेशन के पहले ट्रेन पर उतर गए और अंधेरे में भाग निकले। लुटेरों ने करीब 50 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। एमपी के मंदसौर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की शक की वजह से उसकी नाक काट डाली। महिला के भाई से उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। महिला के घर वालों ने आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। एमपी के देवास में किसान के घर में घुसे तेंदुए की वजह से इलाके में दहशत फैल गई।